हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आर्टिस्टिक फैमिली। तो जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि आने वाले हैं, बहुत नज़दीक है। अभी वीडियो में हम आपको बताएंगे हम माता जी को कितने प्रकार के झंडे चढ़ाते हैं, झंडे की सिलाई कैसे करते हैं, तो आप वीडियो में बने रहे। गाइस, ये हमने कपड़े लेकर के आ गए हैं बाजार से माता जी के झंडे बनाने के लिए। माता जी को जब भी निशान चढ़ता है तो सवाया चलता है, या तो 1.25 मीटर का झंडा बनेगा या 2.25 मीटर का। तो हम 2.25 मीटर कपड़े लेकर के आए हैं। गाइस, ये हमने लाल रंग के 2 झंडे लिए हैं। एक लाल रंग का झंडा माता जी को निशान चढ़ेगा और दूसरा जो है बजरंग बली के लिए। ये जो सफ़ेद झंडा है ये वटुक भैरव के लिए निशान के लिए है, और ये शंकर जी के लिए भगवा रंग का झंडा, और ये काला झंडा जो हम बनाएंगे वो काल भैरव के लिए। ऐसे ही पचरंगा झंडा भी हम एक बनाएंगे, तो हमने आधा आधा मीटर की ये 5 रंगों की स्ट्रिप ले ली है, इनको जोड़ करके हम पचरंगे झंडे ही बनाएंगे। महाकाली के नाम का है ये झंडा, पचरंगा झंडा। 5 स्ट्रिप जोड़ के एक झंडा हम बनाएंगे। हम झंडा कैसे बनाएंगे, इसकी कटिंग कैसे करेंगे, है ना, हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। गाइस, ये हम कुछ लेस भी लेकर के आए हैं, मल्टी कलर की लेस भी है, गोल्डन भी है, इससे हम झंडे को डेकोरेट करेंगे। अभी हम कैसे इसकी कटिंग करेंगे सिलाई के लिए वो आपको दिखाएंगे। गाइस, झंडे को हम इस प्रकार से जमा लेंगे। पहले जो हम 2.25 मीटर कपड़ा लेकर के आए हैं उसमें इसे तिरछी कटिंग करेंगे तो 2 झंडे निकलेंगे एक साथ। गाइस, ये हमारी मशीन आ चुकी है सामने पर, हमने इसको प्रॉपर क्लीन कर रही है ताकि झंडे ख़राब ना हो, झंडों पर डस्ट के निशान ना बने, इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है पहले, उसके बाद हम झंडे की सिलाई शुरू करेंगे। हमारे पहलवान मशीन उठाने में मदद कर रहे हैं मम्मी की। ये सबसे टफ काम है, एक बार में बो दिया है। इससे अंतिमा की आई चेक हो गई कि अंतिमा की आँखें भी अच्छी स्थिति में हैं। हम झंडा जिस बांस में लगाएंगे उसके लिए एक फोल्डिंग लेनी होती है। इस फोल्डिंग में हम पाइप या बांस जो भी है उसमें उसको लगा देंगे। हमारे भाभी मस्ती कर रहे हैं, भाभी को होमवर्क आने वाली है। दिवाली, नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि आने वाली, दिवाली नहीं आने वाली। ये गाइस, इसको अभी होमवर्क करना है। होमवर्क इसका पेंटिंग है, वो तो नहीं कर रहा है, ये बस इधर उधर टाइम पास कर रहा है हमारा भाभी। गाइस, आपने अभी तक सुना होगा कि रील बनाते हैं, सब रील बनाते हैं, ये रील भरा रही है हमारी, और रील घूमती रही है। ये देखिए उधर ऐसी, ये दूसरे धागे में से। भाभी एक सेकंड, हाथ तो मत लेना। गाइस देखिए, अब जो झंडा रहता है ना, लेस के बिना झंडा अधूरा रहता है, तो हम लेस लगाएंगे इसमें। बहुत प्यारी लेस है, 2 कलर में है, रेड और गोल्डन की। हाँ अंतिमा, लेस लगाओ। अंतिमा सिल रही है अभी झंडे, तो थोड़े सिखाया है, सिखा दिया है मैंने उसको। ये अंतिमा थोड़ी लेस में कंफ्यूज हो गई है, ये कहाँ से लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। आगे पीछे का भी रहता है उसमें कि कहाँ की कौन सी आगे लेना, कौन सी पीछे, है ना। माता जी के भजन बजना शुरू हो गया अभी से। गाइस, तो ये लेस सिलना शुरू हो गई है। गाइस, ये हमने झंडा सिल लिया है, लेस भी लग गई है इसमें। अब इसमें फुंगी लगाएंगे हम सफ़ेद कलर की। अब ये भगवा कलर का झंडा है तो इसमें सफ़ेद पुंगी लगेगी, तो सफ़ेद पुंगी ऐसा करके सिल करके बनेगी, और यहाँ एंड पे उसको लगाएंगे। और ये पुंगी झंडे में लगाना ज़रूरी रहता है, ये तो झंडा अधूरा माना जाता है, तो पुंगी अवश्य लगाना चाहिए झंडे में। और ये नीतू मैडम लगाएंगी अब।
ये मैंने सीधा झंडा रख लिया है तैयार करी थी वो रख ली है 90 डिग्री में उसको मोड़ लेना है ना ऐसा और एक साइड सिलाई ये देखिए गाइस ये खोल दिया और ये देखिए कुंगी लग चुकी है झंडे में बहुत बड़े बड़े झंडे हैं हमारे देखिए ये पूरा एक ही झंडा है खोलो पकड़ो पकड़ो उसको 2.25 मीटर का है ये एक ही झंडा है बहुत बड़ा झंडा है यानी इसकी लेंथ वहाँ से लेके यहाँ तक की बताऊँ तो लगभग 8 फीट के अराउंड ये झंडा है वाला झंडा मेरे को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये लाल है और इसमें सफ़ेद पुंगी लगी हुई है और ये माता जी का झंडा है लाल कलर जो रहता है वो माता जी के झंडे का रहता है देखिए काली मंदिर में हमारी तरफ से ये निशान चढ़ाए जाते हैं हरदा में काली मंदिर है एक हाँ एक ही काली मंदिर है हरदा में ओटले वाली माता के नाम से फेमस है यहाँ गाइस तो हम अभी ये पचरंगा झंडा बना रहे हैं जो कि चामुंडा महाकाली के लिए निशान लगता है इसमें हमने 5 कलर लिए हैं पचरंगा इसलिए इसका नाम है काला है भगवा है नीला कलर है लाल और सफ़ेद गाइस ये पचरंगे झंडे में भी हमने लेस लगा ली है कुंडी लगा ली है पचरंगा झंडा ये हमारा रेडी हमने ये एक झंडा और बनाया है तो दाना बाबा को चढ़ाएंगे हम इसमें ये हमने वाइट कलर का झंडा है दाना बाबा का इसमें हमने ये चंद्रमा भी बनाया है लेस से इसके बाद ये लाल झंडा ये माता जी के लिए ये सफ़ेद पटु भैरव के लिए ये शंकर जी के लिए भगवा झंडा और ये काला झंडा काल भैरव के लिए और ये बजरंग बली के लिए लाल कलर का झंडा टोटल इतने झंडे हमने रेडी कर लिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये टोटल 7 झंडे हैं ये माता जी के मंदिर की गुंबद पे लगेंगे नवरात्रे के पहले दिन ही निशान चढ़ा देते हैं हम अपनी ओर से और 6 महीने के 6 महीने दोनों साल में 2 नवरात्रे जो आते हैं चैत्र के और एक कुवार के नवरात्रे दोनों नवरात्रे में हमारी ओर से इतने निशान चढ़ते हैं गाइज तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा हमने प्रॉपर कैसे कटिंग होती है झंडे की कैसे स्टिचिंग होती है वो पूरा बताया है और उसको डेकोरेट कैसे करते हैं लेस से वो भी बताया है आप भी इस तरह से अपनी ओर से निशान चढ़ा सकते हैं माता को निशान का बहुत महत्व होता है नवरात्रि में तो आप भी अपने घर से बना करके मंदिर में या फिर अपने खुद के घर पर मंदिर में पूजा घर में भी आप निशान लगा सकते हैं अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय माता दी